Very good morning everyone. How you all? Welcome back to my channel. This is your boy Tushar Bareja. So, यार क्या बोलना था भूल गया मैं. Intro देख लो पहले. Last video में काफी लोगों ने मेरे को बोला था कि तेरे बाल और दाढ़ी बहुत गंदे लग रहे हैं. अब बाल तो मैंने बना लिए हैं, ठीक है. दाढ़ी मैंने नहीं कटवाई, ना मैं कटवाऊंगा कुछ एक दो दिन में, क्योंकि जिस भैया से मैं कटवाता हूँ वो है नहीं. तो आज हम लोग कुछ हेल्दी बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी. ये सिर्फ जिम गोअर्स के लिए है, ठीक है. वैसे भी आप लोग खा सकते हो अगर आप ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट खाते हो. तो अब हम लोग इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम. और चिकन तो घर में ही है, सारे इंग्रेडिएंट्स भी है, तो वीडियो बनाने में क्या देरी करनी है ना. फॉर दिस रेसिपी ऑल यू नीड इज दही. अब आप घर की भी यूज कर सकते हो. लेमन एक बड़ा टीस्पून नहीं टेबलस्पून एंड द चिकन इटसेल्फ. नाउ इन दिस आई एम टेकिंग 500 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट. अब मैं 500 ग्राम मतलब आधा किलो एक दिन में तो खाऊंगा ही नहीं. आज 250 ग्राम खा लूंगा, कल 250 ग्राम खा लूंगा, नहीं कल तो ट्यूसडे, परसों वेंसडे को 250 ग्राम खा लूंगा. एक साथ ही मैरिनेट कर लो, सही रहेगा. ऑयल एंड ओरिगैनोस. अब आप ओरिगैनो की जगह कुछ और सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हो. अरे अरे गार्लिक पेस्ट तो रह गया. नाउ टेक द चिकन, पोर 4-5 स्पून ऑफ दही. टेक 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल. नाउ ब्रिंग इन द स्पाइसेस. हाफ के जी चिकन है तो आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून ब्लैक पेपर एंड आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर. और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दो कलर के लिए. अब ओरिगैनो बीइंग अ सीजनिंग वो बाद में डलता है, पर मैं पहले भी डालूंगा बाद में भी डालूंगा. नाउ कम्स द टफेस्ट पार्ट, इसको मिक्स करना. आप नॉर्मल स्पून से भी कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा वो खेलने वाला काम हो जाएगा. आप यूज करो अपने. अब बस चिकन को एक डब्बे के अंदर पैक करके फ्रिज में डाल दो. अब काफी लोग बोलते हैं कि जो चिकन है उसकी मैरिनेशन को मिनिमम 8 hours रखना चाहिए या फिर ओवरनाइट. मैं 8 घंटे वाले लोगों की बात मानूंगा. 8 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज के अंदर रखूंगा. बाकी अगर आपको आधे घंटे के लिए रखना है फ्रिज के अंदर, अगर आप लेट हो रहे हो आपको बनाना है तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हो. अगर आपको एट अ टाइम खाना है तो मैरिनेट करके उसी टाइम आप पैन में डाल दो. 8 घंटे या ओवरनाइट रखने का फायदा ही होता है कि जो आप मैरिनेशन करते हो उसके फ्लेवर्स अच्छे से निकल के आते हैं और चिकन काफी अच्छा लगता है खाने में, देखने में भी. मर्जी आपकी है, आपको आधे घंटे रखना है, 5 मिनट, 2 मिनट, ओवरनाइट. Take a pan and butter. अरे भाई 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 इतना सारा बटर कैसे डाल दिया तूने? मसाले भी तूने इतने सारे डाले, हेल्दी कहाँ रहा अब ये? तो भाई साहब अगर आपको ऐसी चीज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या है ये, अगर आपको ऐसी चीज अप्रोक्सीमेटली डेली कंज्यूम करनी है, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे जो भी आप छोड़ते हो उन सबको छोड़ के, तो मतलब कम डाल सकते हो बटर. मैंने ज़्यादा डाल दिया है, गलती मेरी थी. आप मसाले कम डाल सकते हो और जो बटर है उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि नॉनस्टिक पैन होता है और वो नहीं चिपकता. मुझसे ज़्यादा गिर गया जोश जोश में, वीडियो बना रहा था ना काफ़ी टाइम बाद, भाई साहब बटर ज़्यादा गिर दिया. वैसे मैं कम ही खाता हूँ, डाइट मेरी पूरी कंट्रोल. अब बस फ्रिज में से चिकन निकाल के लाओ जो आपने बॉक्स रखा था, और एक एक करके पैन में डाल दो उसको, मतलब जितना आपको खाना है. मैं डालूंगा 250 ग्राम अंदाजे से. सारे पीसेस एक एक करके अपसाइड डाउन कर दो. और हाँ, गैस अपनी शुरू से ही सिम रखना जब से तुम पीसेस डालना शुरू कर रहे हो. उससे पहले तो तुमको गर्म करना है ना पैन. नाउ आफ्टर 4 मिनट्स आप फिर से इसको अपसाइड डाउन कर दो, और गैस इस बारी होगी मीडियम हाई. सो आफ्टर 2 मिनट्स ऑन मीडियम हाई गैस, ये अपने आप नीचे से कुक, मतलब गैस की वजह से कुक हो जाएंगे. आप इसको अपसाइड डाउन कर देना, उसको 2 मिनट रखना, दोनों तरफ से कुक हो जाएंगे एंड योर चिकन वुड बी रेडी. नाउ यू कैन पुट ओरिगैनो सीजनिंग एंड लेमन. सो देयर यू गो, यू हैव द सॉफ्टेस्ट चिकन रेसिपी. पर्सनली आई प्रेफर मेकिंग दिस, क्योंकि बॉइल्ड चिकन आप डेली खा नहीं सकते हो,
और वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, भले ही सैलेड वैलेड कुछ भी डालो थोड़ा सा बोरिंग लगता है. ये फिर भी काफ़ी बेटर है. आई एम कंज्यूमिंग दिस फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड आई हैव इट इन माई लंच समटाइम्स और डिनर समटाइम्स विद चिकन, नहीं विद राइस और सैलेड. अगर आप लोगों को सैलेड वाली रेसिपी देखनी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं ज़रूर बनाऊंगा. और कुकिंग विद बरेजा के एपिसोड्स ऐसे ही चलते रहेंगे. आप लोग प्यार देते रहो, लाइक करते रहो वीडियो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो. जो मुझे पता है अगर शायद कुछ ही लोग करते होंगे, इस बार ही ज़्यादा कर दो. ठीक है, तो अब हो गया आउटरो टाइम. ठीक है, जाने का टाइम हो गया. अगर आप लोगों की वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छी लगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्टेंट के साथ. और हाँ, एक ही वीडियो में 3 बार टी शर्ट बदली, ब्लैक पिंक डार्क पिंक वाइट. बाय. पता चला था? नहीं पता चला, पता चल गया तो कभी कोई बात नहीं, कुछ हो नहीं सकता अब.